स्वागत है आपका रोज के तरीके से फिर एक बार सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको डेली करंट अफेयर्स और आपके जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वहां आपको कंटेंट से मिलने वाली है, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे अच्छा एनालिसिस किया हुआ करंट अफेयर्स आपको अगर कहीं मिलता है तो सिविल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली का डेली ऑन टाइम जो आपका डिसाइड है वो समय आपको मिल जाता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के जो है। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया June 2023। अब इसका कहा गया कि निम्नलिखित में किसे भारत का नए ऊर्जा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि एनर्जी इस समय इंडिया के लिए, एनी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे गर्मियां स्टार्ट होती है एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, ओल्डेज का इशू होता है, तो लगातार इंडिया क्या कर रहा है, अपने डेवलपमेंट को और आगे ले जाने के लिए एनर्जी पर लगातार काम कर रहा है। इसलिए जब इसमें कोई पद में चेंजेस होते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंकज अग्रवाल द अपॉइंटेड अ न्यू पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित करना है तो वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोची में। तो इस तरीके से सेकंड आंसर हो गया कि IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि विथ विच कंट्री इंडिया डिड इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव द प्रीडेटर ड्रोन डील। प्रीडेटर ड्रोन डील जो है इंडिया किस कंट्री के साथ में करने जा रहा है, तो इसका हम जो राइट आंसर है उसको हम लोग देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में इंडिया क्या करने जा रहा है, अपनी डिफेंस पावर को और इंक्रीज करने के लिए प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी है। किसके साथ में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, रशिया हो गया, फ्रेंच हो गए, तो इन कंट्रीज के साथ में इंडिया हमेशा अपने डिफेंस समझौते करता रहता है, डील करते रहता है, चाहे वो कई सारे वेपन्स हो, रफाल हो, उन चीजों को यहां पे वो खरीदते रहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है उसकी नीड, जो उसकी जरूरत है प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो फुलफिल होती रहे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वन क्या है आज का, जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, साइंस क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है। इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा बेटा? तो दोनों पार्ट्स, बचपन से हम लोगों ने इसको गेमिंग की है, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो एवरी पार्ट बिकेम द न्यू मैग्नेट। मतलब क्या है, बोथ द पार्ट्स बिकेम द सेपरेट मैग्नेट्स। दोनों अलग अलग क्या बन जाएंगे, दोनों के पास में पोल बन जाएंगे, तो इस तरीके से सेपरेट मैग्नेट बन जाएंगे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। और जो आज के लास्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। आपका करंट कह लीजिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से है। विच बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ऑब्वियस सी बात है, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक, गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा RBI। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेके मैंने आपको करवा दिया, और छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए कि आप रोज़ हमारे साथ में जुड़ते रहिए और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।